मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और दीपिका पांडे राज्य सरकार में मंत्री बनने की संभावना है। वहीं चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल से बादल पत्रलेख का पत्ता कट सकता है। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद जगी है। टेंडर घोटाले मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने और उनके इस्तीफे के बाद खाली हुए मंत्री पद को लेकर भी कांग्रेस ने उस पद को भरने की तैयारी कर ली है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का अब मंत्री बनना लगभग तय है। इसके लिए आलाकमान मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी तादाद और उसके साथ ही इंडिया गठबंधन के साथ उनकी वफादारी को भी देखा जा रहा है। चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए बादल पत्रलेख का पत्ता फिलहाल कट सकता है। ऐसे में उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर सवाल उठ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी बादल पत्रलेख की भूमिका को लेकर भी नाराजगी है। बादल पत्रलेख ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के तहत जिस तरह की स्थितियां दिखाई दी और जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, वो बातें अब केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस पर बड़ा फैसला ले सकता है। वहीं उनके इलाके में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को काफ़ी कम मत मिले थे। कांग्रेस के अंदर यह भी अब चर्चा जग जाहिर है कि अगर बादल पत्रलेख का मंत्रिमंडल से पत्ता कटा तो ऐसे में ब्राह्मण कोटे से दीपिका पांडे का मंत्री बनना तय है। फिलहाल महागामा की विधायक दीपिका पांडे के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने वहां जीत दर्ज की थी। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि महागामा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव आगे दिखाई दिए। वहीं गुलाम अहमद मीर लगातार हेमंत सोरेन के संपर्क में बने हुए हैं। हेमंत सोरेन से मुलाकात करके उन्होंने मंत्री बनने को लेकर जिस तरह की बातें अब चर्चा में है कि उन्होंने मंत्री के नामों पर भी अंतिम मुहर लगवा ली है। आलाकमान के साथ बैठक में गुलाम अहमद मीर ने जिस तरह से चर्चा की है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आज बैठक केसी गोनू वेणुगोपाल के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बीच भी हुई और इस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनने वाले के नामों पर अंतिम सहमति ली गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, वैसे में दो नामों पर मुहर लग सकती है और जबकि बादल पत्रलेख का फिलहाल पत्ता साफ हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह की बातें मीडिया में आ रही है उसे साफ तौर पे स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, अभी हमारा विधायक दल का नेता की घोषणा होना बाकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सारे विधायकों ने अधिकृत कर दिया है तो फिर बदल वही होगा। दूसरा है कि एक हमारा मंत्री पद खाली है, वो मंत्री पद पर बहाली होगी। मुझे लगता है एक दो दिनों के अंदर में वो हो जाना चाहिए और हो ही जाएगा एक दो दिनों के अंदर में। सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, सारा विचार कर लिया गया है, नाम की घोषणा औपचारिक रूप से बाकी है, फिर बदल तो अभी तत्काल में ही है। तीसरा है कि अभी संगठन को लेकर काफ़ी समीक्षा चल रही है। लोकसभा स्तर पर जो हम सीटें हारे हैं तो वो भी अभी हमारे निगाह में है और बाकी तो अभी यही दो इशू हमारे सामने हैं मुख्य रूप से। ऐसी कोई चर्चा नहीं है और ये सिर्फ मीडिया में है, मीडिया की उपज है, लोग अपने से कयास लगा रहे हैं। प्रभारी ने चूंकि एक बार कह दिया था और उन्होंने साफ गोई से कहा था कि यहाँ एक आध मंत्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उस परफॉर्मेंस को सुधारने की बात उन्होंने कही है, बदलने या हटाने की बात तो अभी तक की नहीं है।
वहीं कांग्रेस की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि मंत्रियों को बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। अगर बादल पत्रलेख संगठन में आ सकते हैं तो उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल गोड्डा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा उससे पार्टी काफ़ी नाराज है। ऐसी स्थिति में इरफान अंसारी का मंत्री बनना तो तय है, इसके साथ ही दीपिका पांडे अगर बादल का पत्ता कटता है तो ऐसे में दीपिका सिंह की लॉटरी लग सकती है और वो राज्य सरकार में मंत्री बनाई जा सकती हैं। लेकिन वहीं चर्चा यह भी है कि दीपिका पांडे की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल वोट बैंक के सहारे अगर राजनीति की जाए तो निश्चित रूप से अलग है, लेकिन कांग्रेस वो पिछड़ों पर ज़्यादा ध्यान देगी। ऐसी स्थिति में दीपिका पांडे का मंत्री बनना तो तय केंद्रीय आलाकमान से हो सकता है, लेकिन एक संदेह की सुई इस बात पर भी है कि ब्राह्मण कोटे से आने वाली दीपिका पांडे सिंह जिस तरह से ओबीसी मतदाताओं को किस तरह से लुभा पाएंगी, ऐसे में संशय का सवाल बनता है। लेकिन इसी सप्ताह मंत्रिमंडल में फेरबदल अब तय है और चंपई सोरेन सरकार का विस्तार तय है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।